किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्मी में तिल की खेती कैसे करें, इसकी बुआई का सही समय कब है, बुआई हमें किस प्रकार से करनी है, प्रति एकड़ बीज हमें कितना लगेगा, कौन सी मिट्टी में हम तिल की खेती कर सकते हैं, सिंचाई हमें कितनी करनी पड़ती है और प्रति एकड़ हम तिल की खेती से कितना उत्पादन निकाल सकते हैं, और तिल की खेती के लिए कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे हमें एक अच्छा उत्पादन मिले, और बात करेंगे प्रति एकड़ हमें तिल की खेती से इनकम कितनी कर सकते हैं, संपूर्ण ए टू जेड जानकारी होने वाली है। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों बात कर लेते हैं तिल की खेती के बारे में। तो तिल की खेती अधिकतर किसान भाई गर्मी के मौसम में ज़्यादा करते हैं। वैसे आप तिल की खेती जून जुलाई में वर्षा के मौसम में भी कर सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं गर्मी के मौसम में की जाने वाली तिल की खेती के बारे में। यानी गर्मियों के दिनों में पहले यदि आपने आलू सरसों प्याज की खेती लगा रखी है तो फरवरी मार्च तक खेत खाली हो जाते हैं। तो यहाँ पर किसान भाई तीसरी खेती के रूप में तिल की खेती करते हैं, क्योंकि कम समय में यदि कोई फसल तैयार हो जाती है तो वह तिल की खेती है। इस खेती से काफ़ी ज़्यादा किसान लगातार तिल की खेती करते आ रहे हैं और एक शानदार पैदावार के साथ साथ अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो इस साल बहुत से नए किसान भाई हैं तिल की खेती करना चाहते हैं, तो उन्हें एक कंप्लीट और सही जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं कि तिल की खेती के लिए तैयारी, खेत की तैयारी कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है। तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं तिल की खेती के लिए खेत तैयारी की। खेत की तैयारी हमें किस प्रकार से करनी है, 3 से 4 बार गहरी हैरो या कल्टीवेटर से जुताई करें ताकि खेत में मौजूद सभी प्रकार के खरपतवार नष्ट हो जाएं, मिट्टी को पाटा लगाकर अच्छी तरह भुरभुरी कर लें। अब हम बात कर लेते हैं खेत में कौन कौन से खादों का इस्तेमाल करें जुताई से पहले। दोस्तों आपके पास बर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप देसी गोबर की खाद डाल सकते हैं। 7 में 50 kg DAP, सिंगल सुपर फास्फेट और सल्फर को 7 में जरूर मिलाएं। तिल की खेती एक तेल वर्गीय फसल है, इसलिए सल्फर का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बुआई की विधि। तो हम बुआई किस प्रकार से कर सकते हैं, तो तिल की खेती में बुआई को जो विधि होती है वह आप छिटक विधि से ही तिल की बुआई कर सकते हैं। यदि आप मशीन द्वारा बुआई करते हैं तो आपको बीज ज़्यादा लगेगा, लेकिन हाथ से आप अपने हिसाब से बीज डाल सकते हैं। तो बुआई का बेस्ट तरीका आप अपने हाथ के द्वारा ही बुआई करें। तिल की खेती के लिए हमें कितने बीज की आवश्यकता होती है, तो आप 1 बीघे में 1 kg बीज डालना पड़ेगा। प्रति एकड़ की बात की जाए तो 4 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। इससे ज़्यादा बीज का प्रयोग ना करें, पौधे ज़्यादा होने पर उत्पादन कम हो जाता है। किसान भाइयों को तिल की खेती में यदि कोई परेशानी आती है तो वह बीज की हमें कौन सा बीज डालना चाहिए। बहुत से किसान भाई घर का बीज लगा देते हैं जिससे उन्हें एक बढ़िया और शानदार उत्पादन नहीं मिल पाता है। हमारी राय माने तो किसान भाइयों आप हाइब्रिड बीज ही लगाएं जिससे एक अच्छा उत्पादन मिले। तो आप TA78 शेखर प्रगति RT351 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये वैरायटियाँ किसानों की भरोसेमंद वैरायटी हैं। ज़्यादातर किसान भाई इन वैरायटियों को अपने खेतों में लगाते हैं। किसान भाइयों अब हम बात कर लेते हैं सिंचाई की। तिल की खेती में कितनी सिंचाई में तिल की खेती पककर आ जाती है। पहली सिंचाई हम 20 से 25 दिन बाद और दूसरी सिंचाई फूल आने से फलियां बनते वक्त और अंतिम व लास्ट सिंचाई आप जब फलियों में दाना बनना स्टार्ट होते हैं उस वक्त पानी लगा सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया सिंचाई के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं तिल की खेती में लगने वाले रोग एवं कीटों के बारे में। तिल की खेती को रोग व कीटों से बचाने के लिए समय समय पर स्प्रे करना चाहिए। तिल की खेती में लगने वाले रोग जैसे तना और जड़ सड़न, जीवाणु, अगमारी, वायरस का प्रकोप ज़्यादा होता है। इसके कारण फसल को काफ़ी नुकसान हो सकता है। पत्तों पर छोटे बिखरे हुए धब्बे धीरे धीरे बढ़कर भूरे हो जाते हैं। तो इस बीमारी का प्रकोप शुरू होने से पहले ही आप बायर कंपनी का वोनस फंगीसाइड, जिसमें टेक्निकल की बात की जाए तो टेविकोनाजोल 38.9% ईसी फॉर्म में यह दवा आती है, 1 ml/L के हिसाब से इस दवा का स्प्रे करना चाहिए। तना एवं जड़ सड़न के लिए बीज उपचार करना चाहिए जिससे कि जो आगे समस्या ना आए। अब हम बात कर लेते हैं कि तिल की खेती से हमें कितना उत्पादन निकाल सकते हैं। तो आप
6 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन ले सकते हैं। यह एक बढ़िया और शानदार उत्पादन होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।